गाइस, तो कैसे आप सभी, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पाठशाला पे। आज हम लोग लेके आए हैं एनसीईआरटी के चैप्टर मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट का सॉल्यूशन। तो चलिए देखते हैं उसका सॉल्यूशन, और आज हम लोग उसके 50% क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ताकि वीडियो ज्यादा लंबा नहीं हो। उसके बाद का 50% क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारा पहला चैप्टर जो हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं वो होगा डिटरमिनेंट, और इसमें हमारा हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.1। पहला क्वेश्चन में कह रहा है इवैल्यूएट द डिटरमिनेंट। तो हमें डिटरमिनेंट दिया गया है 2 और 4 -5 और 1 का। तो डिटरमिनेंट सॉल्व करने के लिए आपको बेसिक आइडिया होगा कि हम लोग क्रॉस करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को -1 से। एज यू कैन सी हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 2 को -1 से, और फिर बीच में हमारे पास आता है माइनस का सिम्बॉल माइनस इंटू, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 को -5 से। तो आफ्टर सॉल्विंग दिस वी गेट द आवर सॉल्यूशन 18। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। Now we are going to discuss our second question, that is the determinant of cos theta minus sin theta and cos theta। तो हमारे हमें कह रहा है कि इस मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट बताने के लिए। तो फिर से हम लोग वही क्रॉस कनेक्शन, तो फिर से हम लोग वही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे cos theta को cos theta से एंड देन माइनस sin theta को sin theta से। आफ्टर मल्टीप्लाइंग दिस वी गॉट cos square theta plus sin square theta, एंड यू नो फ्रॉम द बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री देन cos square theta plus sin square theta is equal to 1। एंड लेट्स डिस्कस द सेकेंड प्रॉब्लम इन विच वी हैव टू इवैल्यूएट अगेन द डिटर्मिनेंट, एंड द डिटर्मिनेंट इज x² - x + 1 x - 1 x + 1 × x + 1। सो अगेन वी कैन क्रॉस मल्टीप्लाई x² - x + 1 × x + 1 and x - 1 × x + 1। तो एज यू कैन सी वी हैव मल्टीप्लाइड इट एंड वी हैव मल्टीप्लाइड इट एंड इट इज x - 1 × x + 1, और इसका वैल्यू हमें पता है दैट इज x² + x - x - 1। तो ये हमें कैसे मिला, तो पहले हमने x² को लिया और x + 1 से मल्टीप्लाई किया, तो x² × x = x³, x² + x = x² देन वी मल्टीप्लाई -x × x दैट वी गॉट -x² एंड देन मल्टीप्लाई -x + 1 दैट वी गॉट -x। अगेन वी रिपीट द सेम प्रोसेस विद +1 + 1 × x = x एंड +1 × +1 = +1। सो आफ्टर सॉल्विंग दिस वी गॉट आवर सॉल्यूशन x³ - x² + 2। नाउ लेट्स डिस्कस द फोर्थ प्रॉब्लम। तो इसमें हमें एक डिटर्मिनेंट दिया गया है जो कि 3×3 मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट है, और इसमें हमें कह रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ 3×A इज इक्वल टू 27× डिटर्मिनेंट ऑफ A। ये हमें प्रूफ करना है। तो हम लोग सबसे पहले 3A निकाल लेंगे, तो 3A निकालने के लिए हमें 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा A डिटर्मिनेंट से, जो कि हमने इसमें मल्टीप्लाई किया है। और फिर मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ गया 3×1 = 3, 3×0 = 0, 3×1 = 3। देन अगेन वी रिपीट द सेम प्रोसेस 3×0 = 0, 3×1 = 3, 3×2 = 6, 3×0 = 0, 3×0 = 0 and 3×4 = 12। Now again we can see in the question the left hand side is determinant of 3A. So as we have find the 3A, now we can find the determinant of 3A. So how to solve the determinant of 3×3 matrices? So we select the first element which is 3, and then we find the matrices of the remaining element, means we can cross the element and the remaining element is 3, 6, 0, 12, 3, 6 and 0, 12. So let's repeat the process. Let's just take the first element and then multiply into determinant of the remaining element, that is 3, 6, 0, 12. Then take the second element with the minus sign and remove the element and take the remaining element, that is 0, 0 and 6, 12. Repeat the same process with the third element, that is 3, and you can got this equation. And after solving this equation, how we solve this equation? So 3 is 3 and 3×12 is 6. Now we cross multiply this and cross multiply this. As we have learned in the previous question how to solve the 2×2 matrices, so we can apply this process here and we get our LHS 108. And now come to the RHS. The RHS is saying is 27× the determinant of A. So let's find out first the determinant of A, that is 101 012 004. So to find the determinant of A, we can repeat the same process. Let's take the first element and remove the adjacent elements, and the remaining element is 1204 1204. Repeat the same process for 0 and 1, and remember you have to take minus sign
in the first and then plus sign. So now after solving this by cross multiplication, as we have discussed above, we get our solution of determinant of A is 4, and then we have to multiply it by 27. So we multiply it by 27 and we got 108, and we got LHS as 108. So LHS is equal to RHS. So it is proved that determinant of 3A is equal to 27 into determinant of A. Now in the fifth question, we have to evaluate the 3 into 3 determinant. So as we have discussed above, to find the 3 into 3 determinant, we take the first element and then multiply with the determinant of remaining element, that is not taking the first column and the first row, that is 0, 1 and minus 5, 0. Then with the minus sign, we got minus 1, and then removing the elements 0, minus 1 and 3 into 0, then plus sign, then again minus 2, then remaining elements 0, 0, 3, minus 5. So after solving this, how to solve this? It is easy by cross multiplication, as we have discussed above, to solve the 2 into 2 determinant. It is very easy to solve 0 into 0 minus minus 5 into minus 1, that is 0 minus 5. Then again the same process, minus minus plus plus 1, fit 0 into 0, and again cross multiplication 3 into minus 1, that is minus 3. So we can get minus 12. Let's come to the second question, that is again 3 into 3 matrices. So again we can take the first element and multiply with the determinant of the remaining element, that is 1 minus 2 and 3 and 1. Then again we can take the first element, second element, minus 4, and add a subtract sign, and then again we remove the remaining element and multiply with the determinant of the remaining element, that is 1 minus 2, 2 and 1. So we can repeat this process. And again, how to solve this? As you know, by cross multiplication, after solving this we get 46. And let's come to the third question, that is determinant is given, which is also 3 into 3 matrices, and we have to solve this. So we can take the first element and remove the remaining element, and the aur jo bacha hua element hai 0 minus 3 and 3 0, fir use likhenge aur fir 1 lenge, 1 ke sath hamare paas second mein kya aayega, minus 1 aayega, aur fir use determinant mein dalenge, that is minus 1 minus 3 2 minus 2 aur 0, then again plus 1, फिर माइनस वन, जीरो, माइनस टू और थ्री जो बचा हुआ एलिमेंट है. फिर ये कैसे निकालेंगे, हमने आपको बताया था, ये हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से निकालेंगे. तो जीरो इन जीरो इंटू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस, दैट इज जीरो माइनस वन, माइनस वन इज जीरो, जीरो माइनस माइनस थ्री इंटू टू इज माइनस सिक्स, प्लस टू इंटू माइनस थ्री माइनस टू इंटू जीरो इज जीरो. देन आफ्टर सॉल्विंग दिस वी गॉट सिक्स इंटू सिक्स माइनस सिक्स, दैट इज जीरो. देन कम टू द फोर्थ क्वेश्चन, which is also same 3 into 3 determinant, and we have to find the solution. It is also easy question. First element ko lena hai, aur phir us element ke jo row aur column element usko delete kar dena hai, aur phir 1 minus 3 aur 4 9 jo remaining element hai uske matrices hai usko multiply karna hai, then with the second element, and then repeat the process with the third element. aur ye solve karne ka maine aapko kitni dafa bata chuka hu, 2 into cross multiplication se hum ise solve karenge. After solving this we get the equation as 0. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. ये था मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट का सॉल्यूशन एक्सरसाइज 4.1 का.